हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं आज लक्ष्मी जी के मंदिर, क्योंकि आज हमें अपनी लक्ष्मी माँ को लेकर के अपने घर आना है। 5 तारीख है, आज का दिन बेहद शुभ है, इसीलिए आज ही के दिन लेके आना चाहिए लक्ष्मी जी को। तो हम दोनों लोग जा रहे हैं लेने के लिए। और ये देखिए गदौलिया का नज़ारा, जो कि रात के 10 बजे हैं और गदौलिया पे देख ही रहे हैं आप। ई रिक्शा वालों को परमिशन मिल जाती है, 9 बजे के बाद नो एंट्री का बोर्ड हट जाता है और वो लोग फाइनली आने जाना अपना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए गदौलिया और गिरजाघर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ से आप लोग को देखने को मिल रही होगी सजावट, जो कि लक्ष्मी जी के मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू हो गया। तो ये देखिए, यहाँ इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि गाड़ी वाड़ी कोई लेके ना आए, ताकि भीड़ और ना बढ़े। लेकिन यहाँ तो मतलब आप लोग को पता है, बहुत प्राचीन काल की मतलब बात हो गई। और ये हमारा बनारस जो है बहुत पुराना शहर है और बहुत नामी शहर है। तो यहाँ गली गली से ही दोस्तों गुजर के आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए लोगों की यहाँ बोर्ड तो लगा दिया इन्होंने, लेकिन भीड़ भाड़ देखिए, स्कूटी गाड़ी इतनी ही तादाद में आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि गली शॉर्टकट रास्ता है तो लोग निकाल ही लेते हैं, पार कर ही लेते हैं। और रास्ते में लक्ष्मी जी मंदिर के रास्ते में देख लीजिए, ये सब रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता है, ये तो भी काफ़ी सजा हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, ये मंदिर भी, पीपल का पेड़ है यहाँ। और ये रही हमारी मेले की शुरुआत, जो कि खिलौना से होती है। और खिलौने देख के तो अपनी बचपन की याद आ जाती है दोस्तों, कि जब हम लोग भी मेला जाते थे तो खिलौनों को देख कर दिल बाग बाग हो जाता था। और ये देखिए इस मेले की खासियत कि सारी चीज़ें मिलती हैं, ये कप वप खुर्जा से आए हुए हैं लोग, और मूर्ति मूर्ति तो अनेक प्रकार की मिलती है, ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति। और इस मेले का सबसे प्रसिद्ध मिठाई मालूम है आप लोगों को क्या है? नहीं मालूम? ठीक है, हम बताते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, इस मेले का मिठाई का नाम है ननखटाई, क्योंकि लगातार आपको दिख रहा होगा। और ये भैया लोग जब गरम गरम खाएंगे ना, वाह क्या टेस्ट है। तो आप याद रखेंगे कि हाँ, ननखटाई भी कोई मिठाई होती है। और देखिए सजा हुआ है, मेले का भीड़ भाड़ दिख ही रहा है आप लोग को। तो हम लेके चलते हैं अपने भैया की दुकान पे, जहाँ से कि हम 10 सालों से इन्हीं की दुकान से फूल माला लेते हैं। हर साल लक्ष्मी जी का 16 दिन दर्शन करते हैं, और 16 दिन भैया के दुकान से, या 10 साल हो गए उन्हीं की दुकान से लेते हैं। तो आज हमें लेनी है लक्ष्मी माँ, और हमने पसंद कर लिया है अपने लक्ष्मी माँ को कि कौन सी लक्ष्मी माँ लेनी है। अब लक्ष्मी जी की मूर्ति हम ले करके जाएंगे, लक्ष्मी माँ के मंदिर चढ़ेंगे, वहाँ पे फिर मंदिर में पूजन होगा माँ लक्ष्मी का। और पूजन करवाने के बाद फिर विष्णु भगवान के मंदिर में भी लाया जाता है। ये प्रथा है कि उनसे शादी कराने के बाद ही हम अपने घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति को ला सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, अभी तो फिलहाल आप लोग को देखने को मिल रहा है कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। समझ लीजिए, ये तो बोल रहे थे कि मोबाइल संभालना अपना, नहीं तो मोबाइल भी चोरी हो सकता है। इतनी भीड़ है, ये पिंक वाले टी शर्ट वाले भैया जो है, इनका नंबर था। तो ये दर्शन करके हटते हैं, और इतफाक देखिए माता की कृपा, जो पंडित जी गेट पे खड़े हैं वो इनको जानते थे। तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा 2 मिनट 2 सेकंड है, 2 सेकंड का माता रानी का दर्शन आप लोग को मिलेगा, नहीं तो किसी को अलाउ नहीं है दोस्तों। तो दिखा रहे हैं हम आपको, और भीड़ तो इतनी है देखिए यहाँ पे। तो माता रानी का दर्शन हो गया और हमारा पूजन भी हो गया, हम लोग बहुत खुश हुए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ से निकलते हुए, साइड करते हुए, मतलब साइड किनारे लगते हुए हम लोग एक तरफ साइड में हैं। और कैमरा तो हाथ में था, इतनी भीड़ थी, कैमरे का पता नहीं मेरा मोबाइल का कि मोबाइल टेढ़ा है कि सीधा है। और देखिए वीडियो में आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में मतलब इतनी भीड़ थी कि वो इस तरह से हो गया, पता भी नहीं चला। और फिर आ करके मैंने देखा तो फिर मैंने सीधा किया है,
और ये माँ लक्ष्मी के दर्शन आपको करने को मिल रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी के कई रूप हैं और यहाँ से हम अब दर्शन पूजन करने के बाद परिक्रमा की लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बस खड़े हो जाइए आप लाइन के आगे तो आप अपने आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में भीड़ है ना, लोग धकेल के आगे निकाल देते हैं, लोग धकेल के पीछे कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता। तो हम लोग का हो गया दर्शन। अब बराबर में एक मंदिर है माँ काली का, तो उसमें भी काली है और माँ काली का स्वरूप भी है और लक्ष्मी का भी है, तो वहाँ पे भी जाया जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोग मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे विष्णु भगवान के मंदिर में, जहाँ की विष्णु भगवान सिंदूर डालते हैं, माँ लक्ष्मी के मांग में सिंदूर पड़ता है और तभी हम मूर्ति को लेकर के घर आ सकते हैं। तो वहाँ हम लोग दाखिल हो गए हैं, अंदर आ गए हैं और ये शनिदेव का मंदिर पड़ता है। जय शनिदेव महाराज जी से, ओम शन शन शराय नमः। शनिदेव हैं ये और अब विष्णु भगवान आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए सब लोग ये लाइन में लगे हुए हैं, सब लोग मूर्ति लेके खड़े हैं ताकि विवाह करवाएंगे, उसके बाद ही लेके जाने की प्रथा है। तो सब लोग बारी बारी से लाइन में लगे हैं। अब यहाँ पे आ गए हम लोगों की बारी, तो ये खड़े हो गए हैं लेके। देखिए पंडित जी, आज पंडित जी लग रहा ज़्यादा थक गए हैं, इसीलिए अपने पुत्र को बैठाए हैं। तो पंडित जी के पुत्र हैं, देखिए शादी करा रहे हैं, अभी रखेंगे, शादी कराएंगे, सिंदूर डलेगा, फिर उनको माला पहनाएंगे, उसके बाद ही आप को लेके जाएंगे। तो मैं दिखाऊंगी माँ लक्ष्मी का स्वरूप आप लोग को देखने को मिलेगा। मैंने माँ लक्ष्मी का दर्शन आपको भी लोगों को होगा। आप जो देखिए पैसे निकाल रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं लक्ष्मी जी की शादी का दक्षिणा देने के लिए। पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए दक्षिणा, तो शादी की प्रथा चल रही है, आप शादी करा लेंगे पंडित जी, दे देंगे उनको पूरी टोकरी। टोकरी ही लेके, टोकरी में ही रहते हैं, सारा सामग्री रहता है, जो भी मिठाई विठाई नारियल जो भी रहता है वहाँ पर। अब देखिए ये रही नारी देखिए पकड़ लिया। अब हम कराएंगे आपके दर्शन माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करे, हम सब के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हम सबका घर आए लक्ष्मी के भंडार से, लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर आए। अब आपको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए ये है मेरी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी सब पर आप अपनी कृपा कर दीजिए, इस सबका घर धन धान्य से भर जाए, सबकी झोली भर जाए, सब किसी के साथ अपने जीवन को जिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब हम लोग अपने घर के लिए चल दिए हैं और आ रहे हैं हम लोग घर। हम लोग को दोस्तों रात में करीब 12 बज गया था घर आने में, एकदम इतना ज़्यादा भीड़ था कि पूछिए मत, बहुत रस था कल और आज भी, मतलब आज विश्वकर्मा जी स्वागत हो रहा है, ताली बजाइए हाथों से, क्या बात रहता है। लेकिन मूर्ति लाने की प्रथा 5 तारीख को ही शुभ माना गया था, तो 5 ही को लाना था। ये हमने अपने मंदिर में बैठा दिया है माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी, ऐसा आशीर्वाद हम सबको दे रही हैं। हम सब अपने जीवन में फूले फले आगे बढ़े। हर हर महादेव।